नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पल को में। दोस्तों मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाया हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो कुंडमाला वाटरफॉल्स के बारे में। ये जो कुंडमाला वाटरफॉल्स है ये पुणे से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ पे घोराडेश्वर मंदिर आते हो तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। मावल तालुका के एक छोटे से गाँव कुंडमाला में बहुत ही सुंदर झरना है। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस झरने के बारे में। कुंडमाला वाटरफॉल जो है वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है अगर आप पुणे से आते हो तो, और इसका रास्ता जो है वो घोराडेश्वर मंदिर के सामने से है। घोराडेश्वर मंदिर से कुंडमाला का जो रास्ता है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे इसलिए हमने सोमतन फाटा से यू टर्न लेके वापस आए थे। और ये बेगड़ेवाड़ी रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो। ये बेगड़ेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्रॉस करते ही एक 5 मिनट की दूरी पे एक बहुत ही सुंदर झरना है। और दोस्तों यहाँ पर आप इंद्रायणी नदी देख सकते हो। इंद्रायणी नदी का पानी वर्षों तक चट्टान पर बहता रहा, अर्थात इन चट्टानों में घाटी बन गई थी और इन घाटियों के ऊपर बहने वाली नदी के पानी ने इन कुंडमाला वाटरफॉल्स को जन्म दिया था। नदी के ऊपर बना एक पुल है जो झरने के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। पुल को पार करना एक रोमांचक अनुभव है। बहुत ही नैरो ब्रिज है ये। गहरी घाटियों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इस स्थान का नाम कहां से आया है। ये घोराडेश्वर की पहाड़ी आप देख सकते हो। आने जाने के लिए यहां के जो लोकल हैं वो इसी ब्रिज का सहारा लेते हैं एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचने के लिए। झूले ब्रिज से आप यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा देखिए,
कुंडमाला वाटरफॉल्स को। कुंडमाला वाटरफॉल्स है सुंदर झरना वाटरफॉल्स आप देख सकते हो और इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो एकदम मस्त वाइट कलर में दूध जैसा। नज़ारा मेरे पीछे मस्त क्लाइमेट ड्रिजलिंग हो रहे हैं और ज़बरदस्त वाटरफॉल्स किस बात का इंतज़ार कर रहे हो आइए इधर कुंडमाला वाटरफॉल्स और एंजॉय कीजिए।
दोस्तों यह था मेरा वीडियो कुंडमाला वाटरफॉल्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।